गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड द एफिशंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गो बैक एन ए क्यू प्रोटोकॉल तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशेंसी बहुत ही कम थी एंड सम ऑफ ड्रॉबैक ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे गो बैक एन ए आर क्यू प्रोटोकॉल एंड वाई दिस प्रोटोकॉल इज मोर इफिशियंट देन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल तो कुछ पॉइंट्स है गो बैक एन ए आर क्यू के उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इन गो बैक एन सेंडर विंडो साइज इज एन जब भी क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर दिखेगा गो बैक एन ए आर क्यू प्रोटोकॉल तो एन मीन्स साइज ऑफ सेंडर विंडो सेंडर विंडो साइज इज एन एंड रिसीवर विंडो साइज इज़ ऑलवेज वन तो रिसीवर विंडो साइज गो बैक एन ए आर क्यू प्रोटोकॉल में क्या होती है वन होती है इन गो बैक एन एन सेंडर विंडो साइज इक्वल टू एन एग्जाम्पल इन गो बैक टेन तो यहाँ पर एन तो तो की वैल्यू क्या होगी टेन हो गई तो सेंडर विंडो साइज़ क्या होगी वो टेन हो गई लेकिन रिसीवर विंडो साइज़ क्या होगी वो हमेशा वन ही रहेगी तो सेंडर विंडो की सेंडर विंडो की साइज चेंज हो सकती है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डिपेंड ऑन द क्वेश्चन बट रिसीवर की जो विंडो साइज होगी वो हमेशा वन ही रहेगी गो बैक एन यूजेस क्यूमलेटिलाजमेंट तो what is इज़ क्यूमोलेटिव Cumulative क्यूमलेटिलमेंट cumulative में होता यह है कि सपोज करो आपने चार फ्रेम भेजे और फ्रेम वन के लिए एक्नोलिजमेंट नहीं आया फ्रेम टू के लिए एक्नोलिजमेंट नहीं आया फ्रेम थ्री के लिए भी एक्नोलिजमेंट नहीं, नहीं आया और फ्रेम फोर के लिए एक्नोलॉजमेंट सेंडर की तरफ रिसीव हो गया तो इसका मतलब ये है कि अगर रिसीवर ने फ्रेम फोर के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है तो उसके पहले जितने भी फ्रेम हैं वो सारे फ्रेम इन ऑर्डर रिसीवर की तरफ रिसीव हो गए हैं अगर आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं तो वो डिस्काउट कर दिए जाते हैं तो इसी वजह से फ्रेम नंबर फ़ोर का एक्नॉलेजमेंट आया है यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया गया है एक्नोलॉजमेंट सेवन फॉर फ्रेम सेवन मीन्स ऑल फ्रेम जीरो टू सिक्स आर सक्सेसफुली रिसीव्ड एट रिसीवर साइड गो बैक एंड डज नॉट एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एंड साइलेंटली डिस्कार्ड दम गो बैक एंड लीड टू रीट्रांसमिशन ऑफ इंटायर विंडो इफ फॉर एनी फ्रेम नो एक्नोलॉजमेंट इज रिसीव्ड बाई द सेंटर अभी वन बाई वन सारे देखेंगे और एक ही लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिनिमम सिक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड इन जी बी एन मीन्स गो बैक एन इक्वल टू एन प्लस वन तो अगर विंडो साइज एन होगी तो नंबर ऑफ फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट सिक्वेंस के वो कितने होंगे एन प्लस वन होंगे तो अगर विंडो साइज सपोज करो ये टेन लिया गया है तो नंबर ऑफ फ्रेम नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर क्या होगा अलेवन होगा यहां पे देखिए यहां पर सेंडर विंडो के दिया गया है और सेंडर विंडो को अलग अलग नोटेशन दिए गए हैं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम हैं उन फ्रेम में कुछ के एक्नोलॉजमेंट रिसीव हो गए हों कुछ के एक्नोलॉजमेंट रिसीव ना हुए हों और कुछ फ्रेम अभी भेजे ही ना गए हों तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमारा गो बैक एन ए आर क्यू में विंडो बिहेव करता है तो देखिए यहाँ पे एस एफ लिया गया है एस एफ का मतलब है सेंड विंडो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेम ये ये वो फ्रेम है जो सेंड कर दिए गए हैं बट नॉट एक्नोलाइज और ऐसे उन फ्रेम को डिनोट करेगा जो फ्रेम अभी सेंड करने बाकी हैं बट इन विंडो द फ्रेम दैट कैन बी सेंड बट नॉट रिसीव फ्रॉम अपर लेयर तो विंडो के अंदर ये जो भी विंडो के साइज़ है इसके अंदर के सारे फ्रेम भेजे जा सकते हैं बट ज़ीरो टू तो सिक्स फ्रेम ये भेजे जा चुके हैं और इनके एक्नोलिजमेंट अभी मिले नहीं हैं ये वो फ्रेम है जो सेंडर भेज सकता है बट ये फ्रेम अभी अपर लेयर से डेटा लिंक लेयर में रिसीव ही नहीं हुआ है। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में थर्टीन 14, फिफ्टीन ये वो फ्रेम हैं जिनका सेंडर को एक्नोलॉजमेंट भी मिल गया है और ये कुछ फ्रेम है फ्रेम दैट कैन नॉट बी सेंट तो ये क्यों नहीं सेंड कर सकते हैं इसको क्यों नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये विंडो के अंदर नहीं है तो हम लोग केवल उन्हीं फ्रेम को भेज सकते हैं जो विंडो के अंदर हो बट विंडो के अंदर कुछ ऐसे भी फ्रेम फ्रेम हो सकते हैं जो भेजे जा चुके हैं और कुछ ऐसे ऐसे भी फ्रेम में हो सकते हैं जो अभी भेजना बाकी है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सेंड विंडो साइज इक्वल टू टू दावर एम माइनस वन वाट इज एम एम इज द बिट यूज फॉर सिक्वेंस नंबर तो एम इज सपोज ए बिट साइज if m equal to 2 then what will be the window size the window size is 2 to the power 2 minus 1 that is 3 नीचे देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पर ये दिखाया गया कि विंडो स्लाइड कैसे करता तो ऊपर वाले फिगर में हमने देखा था कि थर्टीन फोर्टीन, फिफ्टीन इसके एक्नोलिजमेंट मिल चुके थे और नीचे फिगर में देखिए ज़ीरो वन टू अब इसके भी एक्नोलिजमेंट आ चुके हैं तो अगर एक्नोलॉजमेंट सेंडर की तरफ रिसीव हो जाते हैं तो विंडो की साइज़ उतनी आगे शिफ्ट हो जाती है तो अब विंडो की साइज़ थ्री प्लेस आगे चले गई कहाँ पर चले गए थ्री पर और ये जो तीन जिनके एक्नोलिजमेंट आ चुके हैं इसकी वजह से विंडो आगे के कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंस नंबर को अपने विंडो के अंदर एक्वायर कर लेगा मतलब तो अब वो भी सीक्वेंस नंबर के फ्रेम भेजे जा सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर वाले फिगर में यहाँ पर फिफ्टीन जीरो एंड वन ये फ्रेम अभी हम भेज नहीं सकते थे लेकिन नीचे देखिए जब हमने इन तीन फ्रेम के एक्नोलॉजमेंट रिसीव कर लिए हैं तो वो अब क्या होगा विंडो तीन प्लेस आगे आ जाएगा तो उस विंडो के अंदर फिफ्टीन और जीरो और वन ये भी आ जाएंगे तो अब आगे इन फ्रेम्स को भी हम भेज सकते हैं द विंडो इज़ एन ऑब्स्टेक्ट कॉन्सेप्ट डिफाइनिंग एन इमेजनरी बॉक्स ऑफ साइज़ टू द पावर एम माइनस वन जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और ये आपकी क्या होगी विंडो साइज़ होगी बट ये जो वैल्यू है विंडो साइज टू द पावर एम माइनस वन हो सकती है कहने का मतलब ये है विंडो के साइज़ जो मिनिमम होगी वो वन हो सकती है और मैक्सिमम जो होगी वो टू द पावर एम माइनस वन तक हो सकती है तो मैक्सिमम वैल्यू विंडो की क्या हो सकती है टू पावर एम माइनस वन थ्री वेरिएबल्स ये तीन वेरिएबल्स ले लिए गए हैं जो अभी हमने देखा था आउटस्टैंडिंग फ्रेम के लिए ये वो फ्रेम जो अभी भेजना है और ये हो गई हमारी विंडो की साइज यहाँ पे देखिए ये जो दो फिगर दिए गए हैं ये दो फिगर रिसीवर साइड के विंडो के लिए दिए गए हैं और यहाँ पर भी एक वेरिएबल यूज किया गया है जो आर्यन है आर्यन क्या है रिसीव विंडो नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड ये विंडो को डोनेट कर डिनोट करेगा बट उस वैल्यू को डिनोट करेगा जिसका फ्रेम अभी एक्सपेक्टेड है मतलब सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ जो फ्रेम आ रहा होगा यह उस नंबर को डिनोट करेगा तो ये देखिए ये है थर्टीन फोटीन फिफ्टीन जीरो वन टू ये वो फ्रेम हैं जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो गए हैं और इनके एक्नोलॉजी भी भेजे जा चुके हैं रिसीवर की तरफ से ये आगे के वो फ्रेम हैं फ्रेम दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड अंटिल द विंडो स्लाइड तो अगर इसमें से कोई भी फ्रेम रिसीवर की तरफ आता है तो रिसीवर क्या करेगा उन सारे फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ये वही फ्रेम रिसीव कर सकता है जो विंडो के अंदर है तो मतलब अगर थ्री आएगा तो थ्री ही रिसीव होगा बाकी सारे फ्रेम क्या होंगे डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे तो सपोज करोगे कि अब थ्री रिसीवर की तरफ रिसीव हो गया तब नीचे देखिए कि विंडोस लाइट कैसे करता है थ्री रिसीव हो गया तो अब नेक्स्ट फ्रेम जो भी एक्सपेक्टेड होगा वो क्या होगा फोर होगा तो आर एम किस डिनोट करेगा वो फोर को डिनोट करेगा ये जो फिगर है बेटा इसमें यह दिया गया है कि हमने अभी देखा जो विंडो की साइज़ होती है वो टू को पावर एम माइनस वन होती है लेकिन अगर टू को पावर एम विंडो की साइज़ होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो यहाँ पर दिखाया गया है देखिए ये फिगर ए है फिगर ए में विंडो की साइज़ क्या लिया हुआ है लेस देन टू पावर एम तो वन से टू को पावर एम माइनस वन तक हो सकता है ये और ये जो एग्ज़ाम्पल बी लिया गया है वहाँ पर विंडो की साइज क्या है टू का पावर एम तो अब इसको समझते हैं ये फिगर कह कह रहा है यहाँ पे देखिए फ्रेम जीरो वन टू थ्री ये सीक्वेंस नंबर चार सीक्वेंस नंबर लिए गए हैं और जो विंडो की साइज है वो क्या है थ्री है मतलब कि सीक्वेंस नंबर जितने हैं उससे विंडो के साइज़ क्या है एक कम है और इधर देखिए यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस नंबर है वो उसकी वैल्यू क्या है फ़ोर है मतलब कि चार तरीके के सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं और विंडो के साइज़ भी फ़ोर है तो अब देखना है कि हम लोग क्यों एक कम लेकर विंडो चलते हैं कुछ प्रॉब्लम आती होगी वो प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की गई है तो देखो फिगर नंबर ए में यहाँ पर फ्रेम जीरो सेंड किया गया और रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेज किया गया अब क्या होगा? एक्नॉलेज करने के बाद रिसीवर का विंडो आगे शिफ्ट होगा, देखो ये वन पर आ गया तो फ्रेम नंबर वन भी रिसीव हुआ अब रिसीवर की विंडो एक और आगे शिफ्ट हो गई फ्रेम नंबर टू भी रिसीव receive हुआ रिसीवर की विंडो थ्री को पॉइंट करने लगी अब क्या है इट मीन्स रिसीवर आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रेम थ्री लेकिन जितने भी एक्नोलॉजमेंट रिसीवर की तरफ से भेजे गए हैं वो सारे एक्नोलॉजमेंट क्या हो गए देखो लॉस हो गए तो जब एक्नोलिजमेंट सेंडर के पास पहुंचे ही नहीं तो सेंडर को ये नोटिफाई नहीं होगा कि जितने भी फ्रेम सेंडर ने सेंड किया वो रिसीवर के पास सक्सेसफुली रिसीव हुए कि नहीं हुए क्योंकि एक्नोलॉजमेंट से ही वो पता करता है तो यहाँ पर देखो जब एक्नोलॉजमेंट नहीं आया सबसे पहले फ्रेम जीरो भेजा गया तो फ्रेम जीरो के लिए टाइमर भी स्टार्ट किया गया होगा और जब टाइमर स्टार्ट किया गया होगा तो कुछ टाइम के बाद टाइम आउट भी होगा तो टाइम आउट होने के बाद वो फ्रेम रिसेंट किया जाता है जैसा अभी हम लोगों ने इसके पहले स्टॉप इस एंड वेट प्रोटोकॉल में देखा था तो यहाँ पर फ्रेम जीरो फिर से भेजा जाएगा लेकिन रिसीवर की तरफ क्या है रिसीवर आर एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर थ्री तो ये इन फ्रेम्स को क्या करेगा डिस्कार्ड कर देगा क्यों डिस्कार्ड कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो सारे फ्रेम रिसीवर के पास सब कुछ चल रहा है। अब देखते हैं जो फिगर बी दिया है एस एफ एक एक आपका आउटस्टैंडिंग फ्रेम को पॉइंट कर रहा है एस एन आपके उन फ्रेम्स को पॉइंट कर रहा है जो अभी भेजे नहीं गए हैं तो फ्रेम जीरो जैसे इसमें हो रहा था वो सेम उसी तरीके से फ्रेम ज़ीरो सेंड किया गया इधर से एक्नोलिजमेंट आया लॉस हो गया फ्रेम वन सेंड किया गया फ्रेम टू फ्रेम थ्री अब देखो फ्रेम थ्री सेंड किया गया इसका मतलब रिसीवर आर आल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर थ्री तभी फ्रेम नंबर थ्री सेंड किया गया है अब नेक्स्ट क्या है कि फ्रेम थ्री भी इसके पास पहुंच गया है तो अब अगर फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव हो जाते हैं रिसीवर के पास तो रिसीवर क्या क्या करता है विंडो को स्लाइड करता है तो यहाँ पर विंडो अभी क्या है थ्री पर था तो स्लाइड होकर आ जा गया किस पे जीरो पर तो आर्यन किसको पॉइंट कर रहा था जीरो को पॉइंट कर रहा था इसका मतलब जो रिसीवर पास फ्रेम आएगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए बट सेंडर की तरफ क्या हो रहा है सेंडर ने जितने भी फ्रेम भेजे हैं उसमें किसी भी फ्रेम का एक्नोल एक्नोलिजमेंट सेंडर के पास तो रिसीव नहीं हुआ तो फ्रेम जीरो का टाइम आउट हो गया कुछ टाइम के बाद तो फ्रेम जीरो का जब टाइम आउट होगा तो फ्रेम जीरो रीसेंड किया गया है ठीक है यहां पर क्या है ये फ्रेम जीरो भेजा गया है अब फ्रेम जीरो जब रीसेंड किया और फ्रेम जीरो सीक्वेंस नंबर का रिसीवर एक्सपेक्ट भी कर रहा था तो उसको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी क्योंकि वो जीरो सीक्वेंस नंबर का फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा था और जीरो सीक्वेंस नंबर का ही फ्रेम उसके पास पहुँच गया और रिसीवर के पास कोई भी फ्रेम डिस्कार्ड नहीं होगा लेकिन अगर देखो बेटा तो ये कौन सा फ्रेम जा रहा है ये ये फ्रेम ना जाकर ये पहला वाला फ्रेम जा रहा है जिसको हम लोगों ने भेज दिया है और रिसीवर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो इस फ्रेम को एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो हमारा प्रोटोकॉल है वो सही से नहीं चल रहा तो देखिए नीचे यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है डुप्लिकेट फ्रेम एक्सेप्टेड तो डुप्लीकेट फ्रेम एक्सेप्टेड तो डुप्लीकेट फ्रेम, तो फ्रेम यहाँ पर इसको रिसीव हो गया एज ए रिसीवर डोंट वेदर दिस इज़ नेक्स्ट फ्रेम और प्रीवियस जो रिसीवर के पास ये नहीं पता चल रहा है कि ये आपका नेक्स्ट फ्रेम है या प्रीवियस फ्रेम है तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी तो इसी वजह से हमेशा जो विंडो की साइज होती है वो टू द पावर एम से कम ही ली जाती है देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है और बताया गया है कि कैसे जो है फ्रेम ट्रांसमिट किए जाते हैं गोबैक एन एयर के प्रोटोकॉल में तो यहाँ पे देखिए अगर विंडो की साइज़ की बात करें तो विंडो की साइज़ कितनी है सेवन है और अगर सीक्वेंस नंबर की बात करें तो टोटल कितने डिफरेंट सिक्वेंस नंबर हैं वो एट हैं तो एट से हमेशा कम ही रहेगा तो यहाँ पे देखिए फ्रेम ज़ीरो भेजा गया फ्रेम ज़ीरो के लिए एक्नोलजमेंट आया और फ़्रेम वन भी भेजा गया और एक्नोलिजमेंट सेंड किया गया रिसीवर की तरफ से बट जो फ्रेम टू के लिए एक्नोलॉजमेंट भेजा जा रहा था वो एक्नोलॉजमेंट क्या हो गया लॉस हो गया तो अब देखते हैं कि इससे कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है वो एक्नोलॉजमेंट लॉस हो गया फ्रेम टू भेजा गया के सेंडर जो है विंडो के अंदर जितने फ्रेम हैं उन सारे फ्रेम को ये पाइपलाइन मैनर में सेंड करता रहेगा तो जीरो हुआ फिर वन हुआ फिर टू हुआ फिर थ्री हुआ जब तक टाइम आउट ना हो जाए तब तक ये सेंड करता रहेगा ठीक है तो अभी देख रहे हैं कि एक्नोलॉजमेंट टू लॉस हो गया फ्रेम टू भेजा गया है तो एक्नोलॉजमेंट थ्री आ गया तो अब देखो हमने अभी तक क्या देखा था कि जो भी एक्नोलॉजमेंट आते हैं उस एक्नोलॉजमेंट के अकॉर्डिंग आपका विंडो स्लाइड होता है तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस क्या हो रहा है ये नोट डाउन करना होगा आपको देखो पहले जो है फ्रेम ज़ीरो भेजा गया ठीक है और जीरो के लिए जब भी एक्नोलिजमेंट आया तो विंडो देखो एक स्लाइड हो गया था अब वन भेजा गया और उसके लिए एक्नोलिजमेंट नहीं आया तो यहाँ पर विंडो देखो स्लाइड नहीं हुआ अब देखिए यहाँ पर एक्नोलॉजमेंट थ्री आ गया ठीक है जब एक्नोलॉजमेंट थ्री आया तो इसका मतलब फ्रेम नंबर टू पहुंच गया है तो फ्रेम टू पहुंचा है तो फ्रेम वन भी पहुंचा होगा क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को रिसीवर एक्सेप्ट ही नहीं करता तो वहां पर अब वन और टू जो फ्रेम स्लाइड करेगा वो दो प्लेस स्ल, आगे स्लाइड कर जाएगा तो टू पर ना स्लाइड करके कहाँ पर चला जाएगा थ्री पर जाएगा क्योंकि तो जो भी एक्नोलिजमेंट आते हैं वो एक्नोलिजमेंट क्या होता है क्यूमलेटिव एक्नोलेजमेंट होते हैं तो क्यूमलेटिव एक्नोलिजमेंट का मतलब है कि जितने भी फ्रेम उसके पहले भेजे गए हैं वो सारे फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं तभी एक्नोलेजमेंट आया तो अब आगे देखो आगे यहाँ पर फिर नॉर्मली आपका प्रोसेस चलता रहेगा एक्नोलॉजमेंट फोर आया तो एक विंडो एक प्लेस और स्लाइड हो जाएगा इस तरीके से गो बैक एन ए आर क्यू में फ्रेम और एक्नोलॉजमेंट सेंड और रिसीव होते हैं नेक्स्ट ये एक एग्जांपल लिया गया है इसके बारे में आगे फिगर दिया गया है तो सीधे हम लोग फिगर पर चलते हैं देखिए इस फिगर में क्या है <coughs> यहाँ पर जो अगर आप देखें तो जो विंडो की साइज है वो सेवन है जीरो टू सिक्स ये सारे फ्रेम विंडो के अंदर हैं और अगर सीक्वेंस नंबर हम लोग देखें तो सीक्वेंस नंबर ज़ीरो टू सेवन तक जा रहा है ठीक है उसके बाद ज़ीरो वन इसी तरीके से फिर रिपीट करते रहेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा ये आपका विंडो दिया गया है और रिसीवर पर जो आर्यन पॉइंट करेगा वो फर्स्ट फ्रेम के एक्नोलॉजमेंट पर पॉइंट करेगा मींस दिस इज द फ्रेम विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय द रिसीवर तो अब फ्रेम जीरो सेंड किया गया तो रिसीवर का विंडो आगे स्लाइड होगा एक एक्नोलमेंट सेंडर की तरफ रिसीव हुआ तो सेंडर की तरफ भी जो विंडो था वो आगे एक स्लाइड होगा एक प्लेस फिर फ्रेम वन सेंड किया गया और वो लॉस हो गया ठीक है तो अब यहाँ पे देखते हैं लॉस लॉस को ये गो बैक एन एयर क्यू कैसे मैनेज करता है बट ये सारे जो फ्रेम भेजे जा रहे थे विंडो के अंदर वो सब पाइपलाइन में भेजे जा रहे थे मतलब कि एक फ्रेम भेजा गया उसके आगे फिर दूसरा भेजा जाएगा फिर तीसरा भेजा जाएगा इस तरीके से भेजा जाएगा जब तक कि टाइम आउट ना हो जाए और या फिर एक्नोलिजमेंट ना मिल जाए तो सारे फ्रेम भेजे जाएंगे तो देखिए फ्रेम ज़ीरो भेजा गया वो रिसीव हुआ फ्रेम वन भेजा गया वो लॉस हो गया फ्रेम टू भेजा गया तो फ्रेम टू देखिए यहाँ पर रिसीवर की तरफ गया तो रिसीवर जो है वो फ्रेम नंबर वन के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फ्रेम आएगा बस इसके इसके पास सीक्वेंस नंबर टू का फ्रेम पहुँचा तो वो क्या करेगा उसको नो एक्शन मीन्स डिस्कार्ड उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा और यहाँ से कोई भी एक्नोलिजमेंट नहीं भेजा जाएगा तो फ्रेम थ्री गया तो वहाँ पर वो उसको भी डिस्कार्ड कर देगा अब क्या हुआ कि इस टाइम पर ये देखिए टाइम आउट हो जा रहा है किसके लिए फ्रेम वन के लिए इस फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है फ्रेम वन के लिए टाइम आउट हो गया तो टाइम आउट होने पर फ्रेम वन रीसेंट किया जाएगा लेकिन रिसीवर क्या करेगा को फ्रेम वन के पहले जितने भी अनएकनोलज फ्रेम भेजे गए हैं वो सबको रिट्रांसमिट करेगा तो यहाँ पे देखो अभी तक देख क्या था ये वन टू थ्री ये तीनों फ्रेम भेज दिया था और वन के लिए टाइम आउट हुआ तो ये अब गो यहाँ से देखो ये गो बैक जाएगा और विंडो के अंदर देखेगा जितने भी फ्रेम अभी तक ट्रांसमिट किए गए हैं वो सारे फ्रेम रिसेंड किए जाएंगे तो वन भेजा गया फिर टू भेजा गया फिर थ्री भेजा गया ये तीनों फ्रेम सेंड किए जाएंगे उसके बाद इसके एक्नोलमेंट आया फिर उसके बाद आगे नॉर्मल प्रोसेस हमारा चलता रहेगा तो ये आपका प्रोसीजर था गो बैक यानी आर क्यू का कि वहाँ पर अगर फ्रेम लॉस हो जाता है तो किस तरीके से विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम भेजे जा चुके हैं वो सारे फ्रेम भर ट्रांसमिट किया जा रहा है ये जो फिगर दिया है इस फिगर से हम ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव ए सी के एंड इंडिपेंडेंट ए सी के तो अगर देखा जाए अगर हम लोग गो बैक ये ए की बात करें तो वहाँ पर विंडो साइज़ होती है विंडो साइज़ के अंदर जितने भी फ्रेम रहते हैं हो सारे फ्रेम को हम लोग वन बाई वन रिट्रांसमिट कर कर सकते हैं विदाउट वेटिंग एक्नोलिजमेंट तो यहाँ पर फ्रेम नंबर वन टू थ्री ये देखो सारे भेजे गए हैं और रिस, रिसीवर की तरफ से फ्रेम नंबर टू थ्री फो, आ, वन टू थ्री के लिए कोई भी एक्नोलॉजमेंट नहीं भेजा गया फ्रेम नंबर फोर के लिए एक्नोलिजमेंट भेज दिया गया फॉर एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर फाइव तो जब भी ये एक्नोलिजमेंट रिसीव होगा रिसीवर की तरफ रिसीवर अंडरस्टैंड दैट ऑल द फ्रेम बिफोर देन फ्रेम नंबर फोर आर सक्सेसफुली रिसीव्ड एट रिसीवर साइड ठीक है क्योंकि ये क्या है क्यूमलेटिव एक्नोलिजमेंट है क्यूमलेटिव एक्नोलॉजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी एक्नोलिजमेंट सेंड किया जा रहा है उसके पहले के जितने भी फ्रेम है वो सारे फ्रेम क्या हैं सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं अब इंडिपेंडेंट एक्नोलॉजमेंट क्या है कि जितने भी फ्रेम भेजे जा रहे हैं वो सारे फ्रेम के लिए एक एक एक्नोलॉजमेंट आएगा ठीक okay. है तो गोबैक एंड एन आर क्यू में जो भी एक्नोलॉजमेंट यूज किया जाता है वो सारे एक्नोलॉजमेंट क्या होते हैं कमुलेटिव एक्नोलॉजमेंट होते हैं ये एक और फिगर है फ्रेम लॉस का ये और ये दूसरा एग्जांपल है एक बार इसको देख लेते हैं किस एग्जांपल में कैसे सॉल्व किया गया है देखो यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने जो विंडो को स्लाइड किया है वो राइट टू तो लेफ्ट और अभी पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसमें जो विंडो स्लाइड हो रहा था वो लेफ्ट टू तो राइट तो कुछ कुछ बुक्स में लेफ्ट टू राइट स्लाइडिंग दिखा दिया गया है और कुछ बुक्स में राइट टू लेफ़्ट दिखा गया है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है डिपेंड ऑन द बुक्स अलग अलग अथर अलग अलग तरीके से यूज किए हैं तो यहाँ पर देखो अगर ये राइट और लेफ्ट विंडो स्लाइड कर रहा है तो देखो ज़ीरो आपका दिया गया है सीक्वेंस नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे देखो जीरो फ्रेम सेंड किया गया वन सेंड किया गया टू सेंड किया गया थ्री सेंड किया गया और फ्रेम जीरो के लिए एक्नोलिजमेंट भी ही आया और फ्रेम टू ये देखो लॉस हो जा रहा है फ्रेम वन का भी एक्नोलिजमेंट आया और फ्रेम टू जब लॉस हुआ तो जो टाइमर चलाता है फ्रेम टू के लिए जब वो टाइम आउट हो जाएगा तो फ्रेम टू रिट्रांसमिट किया जाएगा अब उसके साथ साथ फ्रेम टू के बाद जितने भी फ्रेम भेजे गए हैं वो सारे फ्रेम रिट्रांसमिट किए जाएंगे तो देखो फ्रेम टू के बाद थ्री सेंड किया गया है फोर सेंड किया गया है और फाइव सेंड किया गया है तो थ्री फोर फाइव ये जो है फिर से रिट्रांसमिट किया जाएंगे और ये सारे फ्रेम क्या हैं ये विंडो के अंदर ही हैं ठीक है यहां पे देखिए ये आउट ऑफ ऑर्डर जा रहे थे फोर और और इसलिए सब डिस्कार्ड कर दिए जा रहे थे और फिर इसको हमको रीसेंड करना पड़ा तो स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू अगर हम देखें कि स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू और गो बैक एन ए आर क्यू में क्या रिलेशन है तो अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो गो बैक एन ए आर क्यू में पाइपलाइन यूज कर लिया गया है और स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू में पाइपलाइन नहीं है और गो बैक एन ए आर क्यू में विंडो के साइज़ सेंडर विंडो के साइज़ वो एम ले ली गई है सॉरी एन ले ली गई है और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में विंडो के साइज़ क्या है वन है और वो फिक्स रिसीवर की तरफ भी विंडो साइज वन है और सेंडर की तरफ भी विंडो साइज एन है लेकिन गो बैक एन में जो रिसीवर की तरफ विंडो साइज होगी वो तो वन है ही लेकिन सेंडर की तरफ के जो विंडो साइज होगा वो क्या होगा एन होगा और जिसकी वजह से इसमें पाइपलाइन टेक्निक्स यूज हो रही है और दैट विल इंक्रीज द लिंक यूटिलाइजेशन तो वाई गो बैक एन ए आर क्यू मीन्स वाई दिस प्रोटोकॉल इज कॉल गो बैक यन ईयर क्यों तो इसमें देखें क्या लिखा गया है इफ फॉर एनी पर्टिकुलर फ्रेम सेंडर डज नॉट रिसीव एनी एक्नोलॉजमेंट देन इट अंडरस्टैंड दैट अलॉन्ग विद दैट फ्रेम ऑल द फॉलोइंग फ्रेम्स मस्ट ऑल्सो हैव बीन डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर तो अगर जैसे दो फ्रेम नंबर टू ये अगर इसका टाइम आउट हो जा रहा है तो इसका भी कोई एक्नोलेजमेंट सेंडर के पास नहीं रिसीव होता है और टू के बाद हमने जितने भी फ्रेम सेंड किए थे थ्री फोर अगर आगे कोई और भी सेंड किए हैं फाइव तो सारे फ्रेम वो आउट ऑफ ऑर्डर जा रहे हैं रिसीवर की तरफ क्योंकि रिसीवर वाज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर टू तो वहाँ पर फ्रेम नंबर टू के आगे जितने भी फ्रेम भेजे गए हैं वो सारे फ्रेम को रिसीवर क्या करेगा डिस्कार्ड कर देगा तो इन सारे फ्रेम को हमको क्या करना पड़ेगा रिट्रांसमिट करना पड़ेगा सो सेंडर हैज रिट्रांसमिट ऑल द फॉलोइंग फ्रेम्स टू अलॉन्ग पर्टिकुलर फ्रेम दस इट लीड्स टू द रिट्रांसमिशन ऑफ एंटायर विंडो मीन्स अभी तक विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम भेजे जा चुके हैं उस सारे फ्रेम को हमको रिसेट करना पड़ेगा दैट इज वाई द प्रोटोकॉल हैज़ बिन नेम्ड एज गो बैग एन मतलब हम गो बैग जाएँ पीछे जाएँ और जो भी फ्रेम हमारा लॉस हुआ है उस फ्रेम के आगे जितने भी फ्रेम भेजे गए हैं वो सारे फ्रेम रिसेंट किए जाएंगे और ये हमेशा क्या होगा वो विंडो की साइज के इक्वली होगा देखो अगर हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा है तो विंडो विंडो कहाँ पर आकर रुकता था वो टू पर आकर रुकेगा थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारे फ्रेम सेंड किए गए हैं और टू क्या है आपका टाइम आउट हो गया है तो टाइम आउट जब भी टू होगा ठीक है तो जितने भी फ्रेम भेजे गए हैं वो सारे फ्रेम क्या होंगे रिट्रांसमिट किए जाएंगे तो जनरली जनरली क्या हमेशा जो है विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम है वो सारे फ्रेम रिट्रांसमिट किए जाते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट द गो बैक एन ए क्यू प्रोटोकॉल इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सेलेक्टिव रिपीट एआरक्यू क्यू प्रोटोकॉल